लेकिन अब उन्होंने फ्रेशर्स के लिए भी स्टार्ट कर दिया है, वो एक साल के ट्रायल पीरियड पर रखते हैं, उनको अच्छा खासा मतलब सैलरी पैकेज भी रहता है और इंसेंटिव्स भी हैं, जो भी सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स भी रहते हैं, पूरा इंसेंटिव्स रहता है। स्टार्टिंग सैलरी क्या होती होगी? CSS है, ADM लेवल पे भी होते हैं, वहाँ पे उससे ऊपर ASM लेवल है, फिर स्टोर मैनेजर लेवल है और भी अपर जो पोस्ट है। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक और शानदार इंटरव्यू मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप अपना करियर टाटा क्रोमा में बनाना चाहते हैं, टाटा जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और काफ़ी अच्छी जो है सुविधाएं जो है टाटा आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप अपना करियर टाटा क्रोमा में बनाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, किस तरीके से आपको जॉब इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलती है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप टाटा क्रोमा में कितने साल से काम कर रहे हैं? अप्रोक्स 6 ईयर मुझे हो गए यहां पे वर्क करते हुए। अच्छा, हाँ, फ्रेशर आपने ज्वाइन किया था या नहीं? मैं एक्सपीरियंस होल्डर था पहले भी मेरे, ऑलमोस्ट मैंने आइडिया में वर्क किया हुआ है, वर्जिन मोबाइल में मैंने वर्क किया है, फिर मैंने कॉलेज में भी वर्क किया है लैब में, तो उसके बाद फिर मैंने क्रोमा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो अभी आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैं एज अ CSS हूँ, ग्राउंड लेवल पे ही हूँ अभी। अच्छा, CSS काम क्या रहता है इसमें? यहाँ पे सेल्स का है, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी वहाँ पे मिल जाती है आपको, उसका प्रोडक्ट सेल करना होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने होते हैं। तो टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं आपके? बिल्कुल, नॉमिनल टारगेट रखते हैं, इजीली हो जाते हैं। अच्छा, तो भैया बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे आज के टाइम पर अगर क्रोमा में कोई जॉब ढूंढ रहा है तो सही तरीका क्या है? देखिए सही तरीका इसका अगर देखा जाए तो क्रोमा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर विजिट करना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वे वहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन कर देते हैं किस लोकेशन के लिए उन्होंने जॉब इंटरव्यू निकाले हैं और किस किस पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पे CSS होता है, फिर मैनेजर होते हैं, कैटेगरी मैनेजर होते हैं, ADM बोलते हैं उनको, फिर उसके बीच में भी एक और मैनेजर होते हैं, पर ASM बोलते हैं, फिर स्टोर मैनेजर है, वहाँ तक की जो वैकेंसी है वो वहाँ पे मेंशन होती है। अपर लेवल में जैसे क्लस्टर मैनेजर हुआ, वो भी वैकेंसी वहाँ पे मेंशन होती है, तो जैसी क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? मिनिमम 12th नीड है। ओके, आपको ये जॉब वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला? मैं ऑलरेडी क्रोमा में ही वर्क कर रहा था तो वहाँ से मुझे पता चला। अच्छा, कोई एज एन फ्रेशर अगर आना चाहे तो क्या क्रोमा में उनके लिए जॉब रहती है? बिल्कुल है, फ्रेशर्स के लिए पहले तो जो क्रोमा लेते हायरिंग करते थे वो करते थे एक्सपीरियंस बेस पे ही, लेकिन अब उन्होंने फ्रेशर्स के लिए भी स्टार्ट कर दिया है, वो एक साल के ट्रायल पीरियड पर रखते हैं, उनको अच्छा खासा मतलब सैलरी पैकेज भी रहता है और इंसेंटिव्स भी हैं, जो भी सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स भी रहते हैं, पूरा इंसेंटिव्स रहता है और लीव्स भी अच्छी है। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी क्या होती होगी? जो फ्रेशर में है तो 15,000 तक वो पे कर लेते हैं। और एज एन एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वो प्रीवियस सैलरी पे डिपेंड है। प्रीवियस सैलरी पे? बिल्कुल। ओके, उसके अकॉर्डिंग हाइक दे देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हाइक भी मिलता है? जी मैम। ओके, काम कितने घंटे लगभग करना होता है? देखिए वर्किंग आवर 8 आवर ही है, वैसे 9 घंटे का शिफ्ट लगा होती है, पर 8 आवर ही है क्योंकि उसमें लंच टी ब्रेक वगैरह का टाइम भी अलग होता है। और अगर ओवर टाइम जैसे दीपावली आती है, फेस्टिवल्स, क्रोमा हमेशा खुला रहता है और अच्छे ऑफर्स भी उसमें आते हैं? देखिए क्रोमा में कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि आपको एक्स्ट्रा रुकना है, ठीक है, वो एथिकल कंपनी है क्रोमा, तो फोर्स नहीं करते, वो आपकी चॉइस है, अगर क्राउड ज़्यादा है तो आपकी सेल अच्छी होगी, देन यू आर अर्निंग मोर। टाइम देते हैं उसके लिए? नहीं, वो आप अपनी मर्जी से रुक रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको रुकना ही है। तो इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको? बिल्कुल मिलते हैं मैम, अच्छे मिलते हैं। हाँ, तो आज के टाइम पर जैसे अगर किसी को जॉब चाहिए अपने नियर बाय एरिया में तो तरीका क्या है, वो किस तरीके से जॉब? देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वो कर सकता है उसको, ठीक है, वहाँ पे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वो जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ इंटरव्यू वहाँ से दे सकते हैं देख के, या फिर जो नियर बाई स्टोर है वहाँ पे विजिट करके किसी भी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है या कोई स्टाफ है उनसे मिलके उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, वहाँ से अगर जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है वो शेयर कर देते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। रेफरेंस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जा सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। और फ्रेशर है तो उनको 1 ईयर का नोटिस उस पर रखेंगे, देखेंगे उनको, सिखाएंगे चीज़ें, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं देन उनको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, जैसे क्या इस वैकेंसी के लिए कोई पैसे वगैरह देने होते हैं? नहीं, किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, टाटा क्रोमा या टाटा के किसी भी ब्रांच में आप जाते हो किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में के इन्फॉर्मेशन लो और इंटरव्यू, तो वहाँ से आप अगर एलिजिबल हो तो आपकी हायरिंग हो जाएगी।
किसी को थर्ड पार्टी को के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट, जैसे कि आपने बताया CSS है, ADM लेवल पे भी होते हैं। वहाँ पे अगर पुराना एक्सपीरियंस है, ADM लेवल पे फ्रेशर नहीं रखते, वो एक्सपीरियंस होल्डर ही रखते हैं, ठीक है। उससे ऊपर ASM लेवल है, फिर स्टोर मैनेजर लेवल है, और भी अपर जो पोस्ट हैं वो एज ए एलिजिबिलिटी वो वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। वो ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगी जो अपर लेवल है। ओके। बाकी स्टोर मैनेजर लेवल तक इन्फॉर्मेशन स्टोर पे भी अवेलेबल होती है, मतलब नियरेस्ट स्टोर पर क्रोमा के पे विजिट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने सर सारी जानकारी हमें दी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल jobnow247.com को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।